चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक सलून चेयर का बेस फिट करना बताएंगे। कई बार दिक्कतें आती है, कई बार हम ट्रांसपोर्ट में माल वगैरह भेजते हैं तो कई कस्टमर्स बेस फिट नहीं कर पाते, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपको ये कीज़ हम देते हैं साथ में, ये कीज़ आपको दो होगी, एक 5 mm की, एक 4 mm की, और ये इसके 4 बोल्ट है और इसमें एक छोटा सा बोल्ट लगा हुआ होता है। देखिए, आगे देख सकेंगे तो ये देखिए, इसमें दिख रहा, तो ये 4 चीज़ें होती है टोटल। पहला ये प्लेट होती है बेस की, दूसरा ये पंप, तीसरा इसका ये हैंडल, और चौथे ये। तो ये हमारे सुनील सर है, ये आपको फिट करके बताएंगे। पहले प्लेट को उठाया, इसको ऐसे, कुछ करना नहीं होता, खासा प्रॉब्लम होती नहीं है। 4 नट होते हैं, इसको टाइट करना होता है बस। आपका वेट बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बस मेन वो की होनी चाहिए आपके पास। की करेंगे, इसके अंदर बोल्ट फंस जाते हैं टेपर एरिया में। चलिए, चार की टाइट की, अभी एल की जो होती है 5 mm वाली इसमें लगेगी, ऐसे घुमा के इसको टाइट कर दिया। ये टाइट हो गया, अब इसके बाद इसके हैंडल टाइट करने की बारी आएगी। अच्छे से टाइट करने के लिए आप पाइप वगैरह ले सकते हैं, इतना भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस इसको अच्छे से घुमा के टाइट कर लीजिएगा ताकि ये हिले ना। कई बार जब ढीला हो जाता है तो इसके पंप हिलने लगता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती, इसे से टाइट करके आप सही कर सकते हैं घर पे ही। ये देखिए क्या किया, उल्टी तरफ से। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ये किस तरफ से लगाया जा रहा, ये बाहर की तरफ, ठीक है। इसको हल्की से 4 mm की हल्की से इसको टाइट कर देंगे। उस तरफ से भी ऐसा ही होता है, इस तरफ से भी टाइट कर देंगे। 3 किलो का वो 3 किलो का ही है, रेता डालेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। बस ये आपका बेस तैयार है, आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली।